लग रहा है तुझे कि हम पहाड़ों में घूम रहे हैं इन पत्थरों को देख के, थोड़ा इस टाइप को देख के लग रहा है ना। तो गाइस ऋषि ने ले लिया अपने बुक वगैरह यहाँ पे, तो सारा सामान ले लिया है। वैसे देखा जाए तो मौसम एकदम खुल चुका है और देखो कैसा हो रहा है नजारे। अरे तू टेंशन अगले गड्ढे में नहीं डालूंगा तुझे। तो ऋषि का क्या क्या सामान आया आज हम आपको सामान बताने वाले हैं, क्योंकि ऋषि की हो गई शॉपिंग। जय श्री राम सभी भाइयों को, राम राम। कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग होंगे ठीक। तो आपका स्वागत है भाई हमारे एक नई वीडियो में। पूरी रात बारिश हुई है भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। और देखो अब चलिए ठंडी ठंडी हवा और मौसम एकदम एक नंबर मौसम हो रहा है। सबसे पहले आप मौसम देखो कैसा हो रहा है कैसा नहीं। तो भाई बादल के नज़ारे कुछ ऐसे हो रहे हैं। तो मौसम तो हो गया इस सबका, और देखो बस हल्की हल्की बूंदे सी हैं, हल्का हल्का झरना। तो वैसे सुबह भी बारिश पड़ रही थी हल्की हल्की, राम जी की कृपा हुई। तो देखते हैं कि आज का ब्लॉग कैसा जाता है कैसा नहीं। तो बने रहना हमारे ब्लॉग में। अगर आप चैनल पर हमारे पर नए हो भाई चैनल कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देना ऑल पे, कि जिससे कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत की तुरंत मिले। तो भाइयों हमारे पास एक काम आ चुका है, और काम क्या आ चुका है मैं आपको बताता हूँ। ऋषि और मैं जा रहे हैं सीधा गाजियाबाद, और ऋषि को कुछ सामान लेकर आना है अपना। तो क्या सामान लेकर आना है जल्दी बताओ। कॉपी वगैरह लेकर आनी है, इसकी कॉपी वगैरह लेकर आनी है, और कुछ और सामान है वो भी लेकर आना है। तो भाई मौसम तो हो रहा है बारिश जैसा, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा, चलना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है ठीक है, चलना पड़ेगा। देखो कैसे डाल रखा जाए छोटे बच्चे की तरह ये रुमाल। अरे यार बारह पन्नों तो बहुत दिमाग खराब। तो भाई चलते हैं फिर फटाफट। और मैंने शायद आपको टाइम दिखाया या नहीं दिखाया, पर मैं आपको एक बार टाइम दिखाता हूँ। जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तब टाइम हो रहा था 11 बजे थे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहले यार आप टाइम देख लो, क्योंकि सुबह मैंने आपको टाइम नहीं दिखाया था। तो टाइम हो रहा है देखो 1 बज चुका है करेक्ट। तो चलते हैं फटाफट और हम आपको डायरेक्ट मिलते हैं मोटो ब्लॉग के साइड पे। तो भाई हम आ गए सीधा पार्किंग में, और मौसम देख रहे हो कैसा हो रहा है। अरे भाई ज्यादा देर मत दे, मानता हूँ तू पायलट है ठीक है, पीछे हो जाओ। भाई देख रहे हो पानी पानी भरा हुआ है, और भाई थार क्या मॉडिफाई करा रहा है, एक नंबर थार लग रही है भाई साहब। HR नंबर है 51, मस्त करा रहा है थार। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, भैया क्या हो गया। अरे भैया ये रास्ता कैसा पूरा बंद, अच्छा पानी भरा हुआ पाइप लगा रखा है, पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है अभी। इस रास्ते में भाई पानी भर जाता है, तो इस वजह से पानी निकाल रहे हैं। वो निकाल लीजिए पानी, रॉन्ग साइड ही लेना पड़ेगा। भाई जब बारिश हुई थी ना, तो हम ऋषिकेश में इसी बारिश में ही हम नहा रहे थे, और यहीं पे हमने ब्लॉग बनाया था। पूरे बारिश में इतना पानी भर जाता है, यानी कि 1 घंटा बारिश पड़ गई ना लगातार, तो पूरे रोड पे पानी पानी, इतना इस वाले पे नहीं भरता। हाँ वही तो, वो वाला नहीं है, वो इस वाले पे इतना पानी भर जाता बहुत, पूरा का पूरा भर जाता भाई। अब इसलिए वो पानी निकाल रहे हैं, पानी निकालने वाला का पड़ा पूरा पानी भरा हुआ। और भाई देख लो, आपको यकीन नहीं है, देखो कितना पानी भरा हुआ इंद्रपुरम में, देखो भाई। और रात वैसे बारिश तो खैर खूब पड़ी है दबा के। ऋषि बाबू ऊपर कर लेना पैर, ठीक है मैं भी ऊपर कर लेता हूँ। चल बसंती, तो बंद मत होना, वैसे बसंती मेरी बंद नहीं होती। और लगा लो कि यहाँ पे जब इतना पानी है, तो पीछे वाले रास्ते पर देखो कितना पानी है, क्योंकि वो ट्रैक्टर वाला पानी निकाल रहा है। तो भाई साहब बादल हो रहे हैं एक नंबर, तो देख लो भाई साहब काले काले बादल, और मौसम भाई एक नंबर का सुहाना लग रहा है कसम से। वैसे मौसम ना ऐसा ही रहे जैसा मौसम है, अब बारिश ना आए, और बारिश आ गई तो भाई काम जाएगा बिगड़। कुछ लोग हैं, अरे बच्चों देख के दोनों तरफ। भाई काफ़ी टाइम के बाद मैं इधर से जा रहा हूँ, और नहीं तो भाई मैं वसुंधरा होकर जाता हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ना, कनाम नहीं बसा पड़ा पूरा का पूरा। और भाई ऐसा लग रहा है कि मौसम को देख के और यहाँ पे आके, जैसे कि हम किसी उत्तराखंड के कोई छोटे से गाँव में पहुँच जाते हैं ना, और बाहर निकलते ही सीधा पहाड़ दिखने लग जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी महसूस हो रही है ना ऋषि, जब हम गए थे एक बार देहरादून तो ऐसे ही हो रहा था ना कुछ ऐसे ही था, छोटा छोटा गांव। और गांव से जैसे हमने गांव क्रॉस किया, तुरंत हमें पहाड़ नजर आने लग गया। ट्रक वाले बाबू को देख रहा है भाई, इससे कोई पंगा नहीं ले सकता बिल्कुल भी, ये किसी को भाई सुनते ही नहीं है। हाँ चलता फिरता शमशान घाट, सही कह रहा है जी। देख रहे हो भाई कितना अच्छा व्यू आ रहा है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है भाई कसम से। कैसा लग रहा है इसी, बढ़िया लग रहा है।
भाई तुम यकीन नहीं मानोगे, तुम्हारा भाई इस वाले रास्ते पे अगर रात के गया हूँ मैं 11:30 बजे, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कराम वाला, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से मैं ऑर्डर उठा के वापस जाता था। और ये जो है रोड जा जो रहा है ये सीधा प्रताप बिहार विजयनगर कहीं को भी निकल जाओ, ये वो वाला रोड है। भाई देख रहे हो क्या खतरनाक व्यू आ रहा है, एक नंबर भाई। अब तो यार पानी इसमें कम कर दिया है, पहले इसमें भाई इतना पानी छोड़ दिया था कि बहुत ज़्यादा वहाँ तक पानी पहुँच गया था, जहाँ पर वो झाड़ी दिख रही है ना आपको वहाँ तक। अब पानी कम कर दिया है क्योंकि हिंडन के सहारे सहारे है ना NH24 हाईवे उधर, तो हिंडन के सहारे सहारे कुछ घर बसे हुए हैं, वो पूरे के पूरे घर डूब गए थे, इतना पानी आ गया था। और ये इन्होंने अच्छा किया कि यहाँ पे इन्होंने दीवार लगा दी, क्योंकि कभी कभी यहाँ से पानी सीधा गेट पे। अरे मरने के लिए डोली दिख है, और यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है धुआंधार तरीके से। भाई लग रहा है तुझे कि हम पहाड़ों में घूम रहे हैं, इन पत्थरों को देख के, थोड़ा इस टाइप को देख के लग रहा है ना। बस थोड़े से पहाड़ और हो जाते हैं ना उधर की साइड, तो हमको कूड़े के ऋषि कह रहा भाई कि कूड़े के पहाड़ होते तो ठीक रहता। चले गए भाई, एक दिल्ली में तो है कूड़े का पहाड़, मैं जाता हूँ ना ऑर्डर लेके, तो मुझे थोड़ा सा लगता कि हाँ चलो दिल्ली में एक आध पहाड़ तो है, वैसे है कोई भाई की गाड़ी होगी बंद, चलो कोई बात नहीं। तो भाई देखो हम कहाँ आ चुके हैं, तो हम आ गए इस टाइम कहाँ, हम आ गए गाइस गलती से कबाड़ी की दुकान पे, यहाँ पे निरा कबाड़ी कबाड़ा है। बाइक बेचना है भाई, बाइक इसी करा, बाइक बेचना है, है? है। अच्छा यहाँ पे कटा है बाइक। अरे वाह अच्छा, तो भाई देखो सामने देखो विजयनगर आ चुका है, ये है पुलिस चौकी गौशाला। चलो 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 बाइक धो जाएगी हमारी, वेरी गुड। तो भाई तुम्हारा भाई ने सारे रास्ते देखे हुए हैं और शॉर्टकट मार के सीधा घुस गया विजयनगर, अगर शॉर्टकट नहीं मारता तो कम से कम कुछ ना 3-4 किलोमीटर का फेल हो जाता। चलो चाचा खींचो खींचो जोर लगा के, वेरी गुड। तो भाई हम आगे हैं सीधा गाजियाबाद घंटा घर, तो घंटा घर है थोड़ा सा आगे, तो ये है गाइस घंटा घर गाजियाबाद। अब यहाँ पे बस यही है कि बस कोई अच्छी सी दुकान ढूंढनी है जो अच्छा सा सामान मिल जाए इसका, फटाफट मिलते हैं फिर। तो गाइस ऋषि ने ले लिया अपने बुक वगैरह यहाँ पे, तो सारा सामान ले लिया है, और मैंने भी कुछ ले लिया है यहाँ पे, मम्मी के लिए 2 पेन लिए हैं और अपने लिए 2 पेन और एक बुक नोटबुक। मौसम देखो भाई कितना खतरनाक हो रहा है, देख रहे हो। तो भाई अब सारा सामान ले लिया है हमने, तो गाइस जो गाइस मेरे को सामान लेना था गाइस मैंने 2 सामान ले लिया, और गाइस मैं लेकर आया था गाइस समोसे, भैया गाइस समोसे खा रहे हैं, कैसा लगा भैया? गाइस मैंने खा चुका हूँ अपना वाला, भैया गाइस सामान लेने गए थे पीछे, तो मैं ले आया था गाइस समोसे। तो भाई तुम्हारे भाई ने समोसा वगैरह खा के एकदम हो गई है भाई अपने पेट पूजा, तो अब जा रहे हैं गाइस सीधा घर। और जियो रिलायंस स्टोर का हमें काम भी है, तो वो काम क्या है वो ऋषि बताएगा। क्या काम है, क्या काम है नहीं पता, मैं एक VIP नंबर दे रहा हूँ 99 और बाकी तमाम 0। फटाफट भाई मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्टली मोटो ब्लॉग के सेट में, ठीक है? इधर देख भाई क्या व्यू लग रहा है, ओए हो मौसम के चक्कर में मन कर रहा है कि मैं इतना रिकॉर्ड करता जाऊँ, इतना करता जाऊँ कि बस करता जाऊँ बस। ऋषि बाबू देखो माल गाड़ी जा रही है, वो जा रही है उधर, कोयला जाता है इसमें, कोयले को पानी को डाला जाता है। और भाई इसमें क्या हो रहा है जो इतना शोर शराबा कर रहा है भाई, ये तो आग फेंक रहा है आग एकदम, और ये पूरा का पूरा चुभ रहा है। अरे आग फेंक रहा है, पता है उसमें ना क्या कर रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता इतना। क्या मौसम आया है यार, मेरा कैमरा तो 24 घंटे ऑन रहता है, तो दिक्कत क्यों ले रहा है, हर एक एक पल का मजा लेना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, समझ रहे हैं ना। अपन तो खैर खुल के नहीं जी पाया, पर तू खुल के जीने का, ठीक है? बस अभी और जिंदगी बची है, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी का कोई पता नहीं है,
कब से क्या हो जाए। तो भाई आप लोगों से भी यही कहूँगा कि हर एक पल को इंजॉय करो और जियो और खुश रहो अपनी फैमिली के साथ और अपने पड़ोसन के साथ। थोड़ा सा फनी होना भी ज़रूरी है। हम आ गए भाई जियो स्टोर, तो हमें यहाँ से लेनी है एक VIP सिम। भाई इसको नहीं पता कि मैं क्या ले रहा हूँ क्या नहीं। मर गया। मर गया। तुझे पता नहीं कि मैं क्या लेने वाला हूँ? गेस्ट का मैं क्या लेने वाला हूँ इसे नहीं पता। चलो अंदर जाकर बताते हैं क्या लेते हैं हम। तो भाई जो चीज़ हमें लेनी थी यहाँ से वो चीज़ तो हमें मिली नहीं, पर हमें भाई सिम नहीं लेनी थी, हमें लेनी थी कान वाली लीड जो ब्लूटूथ वाली जो होती है वो नेक बैंड जो भी है वो चीज़ लेनी थी भाई, पर वो चीज़ इनके पास नहीं थी जो बजट में मुझे चाहिए थी। भाई देख रहा है बुलेट लग रही है कथे डिक्की को, भाई बुलेट बना रहा है। भाई अद्भुत नज़ारा नज़र आ रहा है मेरी आंखों के जस्ट सामने। ऊपर देखो बादल कैसे हो रहे हैं और सामने देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा मौसम हो रहा कैसा नहीं। अभी मुझे किधर किधर नहीं लेना, एक काम मुझे और याद आ गया है, मेडिकल से भाई मम्मी के लिए ले ली है दवाई, वो दवाई लेकर सीधा निकल लूँगा मैं घर और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाने का प्लान बनता है कहाँ नहीं। अभी दिसी मैं कहीं नहीं जा रहा ना यार, तो सामान दिला दिया ना। अरे दो मिनट का काम है यार, उसमें तो मैं कर रहे हो। कोई नहीं शाम को देख लेंगे जो भी। भाई ये इसलिए परेशान हो रहा है, इसके फ़ोन को कवर चाहिए और मैं कवर इसको दिला नहीं रहा हूँ। मैंने कहा यार महंगे मिल रहे हैं यहाँ पे, 100-150 रुपये कवर देता है। भाई देख आंधी आ गई देख ले, और तेरे फ़ोन के कवर के चक्कर में पता लगा हम आंधी में उड़ ना जाएं। ये बेचारी यहाँ पे मैडम इसलिए खड़ी है क्योंकि इनके लिए कोई बाइक चाहिए, ये बाइक का इंतजार कर रही हैं। आ रही है बाइक, मैं आ रहा हूँ वापस इसे छोड़ के। देखिए भाई ये घर मकान से आ रहे हैं, नहीं तो बादल ना कुछ ऐसे हो रहे हैं कि नीचे से वाइट है ऊपर से काले हैं। क्या हुआ नहीं है इनके पास? कहाँ मिलेगी यार? बैक करो मैं बताऊं आपको। शुक्र चौक पे जो है, हां शुक्र चौक पे बड़ा वाला। अच्छा हां मिल जाएगी। और यहां तो कभी मिली नहीं, वहीं कवर मिल जाएगा। और वहीं से ही कवर लेता का ये फोन का। चलो देखते हैं कवर ले पाता है ऋषि आज या नहीं। ले तो ठीक है भाई। भाई हम आ गए हैं सीधा शुक्र चौक, तो ये है शुक्र चौक इंदिरा पुरम का, ठीक है। तो पतंजलि स्टोर बोरा, ठीक है भैया रुक जा पाची वाले बाबू है ना दे बस जल्दी जा। लो जी लो, इनके पास भी है ही नहीं, खत्म। किस्मत में नहीं आप तो लगता है। चलो कोई बात नहीं। तो भाई ऋषि का कवर मिल चुका है, काफी दुकानों पर घूम चुका है अपने मोबाइल का कवर लेने के लिए, पर इसको कवर नहीं मिला है क्योंकि इसका जो फोन है सैमसंग का फोन है, पुराना हो चुका है मॉडल। तो जितने फ़ोन पुराने हो जाते हैं तो उतना ही दिक्कत आती है कवर ढूंढने में अच्छा सा। तो वैसे तो कोई इसका तो कोई अच्छा सा और कोई बेकार सा कवर ही नहीं मिला दुकान पे, नहीं है। तो भाई मैं आपको ना ये बादल दिखाना चाह रहा था कि जब हो रहा था ना मौसम तब थे ऊपर काले बादल और सामने था अच्छे अच्छे बादल, ऐसा करके व्यू दिखाना चाह रहा था। वैसे देखा जाए तो मौसम एकदम खुल चुका है और देखो कैसा हो रहा है नज़ारे। नजारे तू टेंशन रख ले, गड्ढे में नहीं डालूंगा तुझे, बेटर है आराम से। धूप भी निकल आई है, मौसम एकदम खुल चुका है और आगे देखो तो वही काले काले बादल हो रहे हैं, पर सूरज देवता तब भी निकल आए हैं। पर हम आगे सीधा अपने घर पे। तो भाई हम तो आ गए सीधा घर पे और ऋषि ये रहा। तो ऋषि का क्या क्या सामान आया आज हम आपको सामान बताने वाले हैं, क्योंकि ऋषि की हो गई शॉपिंग। कितने का? 1090 का। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसकी हम ड्रेस भी लेकर आए हैं, और ड्रेस इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इसकी एक पहली ड्रेस थी पुरानी, तो वो थोड़ी फट गई थी, तो इसलिए हम इसकी नई ड्रेस भी ले आए हैं और साथ में इसकी हम कॉपी वगैरह सब ले आए हैं। अभी अपना सामान बताया कितने का है कितने का नहीं। तो गाइस मेरा जो सामान है गाइस वो है गाइस 1090 रुपए का। तो अब मैं बताऊंगा गाइस कैसे 1090 का है। गाइस पहले मैं सामान देता हूँ गाइस, पहले बांटता हूँ गाइस जिसने जो जो सामान मंगाया था हमसे। भाई देख रहे हो हर जुबान पे गाइस गाइस गाइस, कितनी बार बोला है मैंने कि तू गाइस मत बोला का बिल्कुल भी। देखो गाइस जितनी बार मैंने गाइस बोला उसका आप भाई मेरे ना भाई पापा जी को सामान देते हैं। तुम्हारे को तुम्हारा सामान आ चुका है, ठीक है। मम्मी तुम्हारा सामान नहीं मिला, मैंने 2-3 दुकानों में ट्राई किया नहीं मिला। तो मैं गोकुल की सीसी चाहिए थी, वो सीसी नहीं थी दवाई,
नहीं मिली वो कल आई, कल परसों जैसे आएगी ला दूंगा। ठीक है देखो गाइस, ये मैंने अपने ट्यूशन के लिए लिया गाइस। ठीक है ठीक है ठीक है, कॉपी किताब वगैरह आ गई है इसकी। देखो साइन निकाल के रख देना यहीं पे, ये सारा कुछ आ चुका है इसका। जल्दी खोल यार, इतना टाइम नहीं है। अरे यार मैं ड्रेस वगैरह कहां है यार, ड्रेस कहां है दीदी? अरे एक गैल मत खोलो, अनबॉक्सिंग करन दो यार। भाई इसकी ड्रेस है, इसकी ऋषि की पैंट और शर्ट यही है बाबा। और गाइस मैं लेकर आया हूँ कुछ चीजें, इतने सारे पेन वगैरह आ गए, देखो सारी चीजें मैं ले आया। ये लो तुम्हारे पेन, ये मेरे दो पेन है, माय फेवरेट पेन। मम्मी ने तुम्हारे लिए भी लाया हूँ, मम्मी के लिए दो पेन, बॉल पेन। मम्मी को लिखने का बहुत ज्यादा शौक है, अब तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब मेरे को जरूरत है कवर की। कौन सी? पापा इसके फोन के कवर ने खा लिए, दो तीन दुकानों पे से घुमा दिया मुझे मकनपुर में, कवर नहीं मिला इसका। तो भाई 6 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ सीधा काम करने के लिए। और जाने से पहले, क्योंकि बारिश जैसा हो रहा है मौसम, तो भाई सबसे पहले साधन भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भीग ना जाऊँ, है ना। चाहे कितनी भी तगड़ी बारिश आ जाए तो मैं घर वापस तो कह नहीं आऊँ, क्योंकि यार दम में बारिश आ जाती है तेज, फिर आ जाता हूँ मैं घर पर, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई मैंने बारिश से बचने के लिए डाला है रेनकोट, तो ये रेनकोट लेकर जा रहा हूँ। और ये बॉक्स मैंने खोल लेता है, ये बॉक्स भी बांधना है मुझे फटाफट। अपना ऑर्डर बच चुका है घर पर ही, मैंने अपनी आईडी ऑन कर लेता हूँ, तो फटाफट चलते हैं सीधा। मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ कहाँ, मोटो ब्लॉग के साइट पे। ठीक है भाई, आप यकीन नहीं करोगे, अभी आया हूँ, मैंने पहला ऑर्डर अभी डिलीवरी भी किया है, और अभी अभी बस भगवान ने बारिश करवाने चालू कर दी है, झरना आना चालू हो गया है, और एक ऑर्डर डिलीवरी किया है। और ये प्रभु काम का समय है, बारिश को कर दो बंद, रात को जितनी बारिश करनी है करो, वो भी 11 बजे के बाद, तो भगवान हमारी कहाँ सुनने वाले हैं, क्या बताएं यार। एक तो काम वैसे ही नहीं है, ऊपर से तबीयत भी डाउन है, हाथों में शाम काम करने के लिए ऊपर से फिर वो भी बारिश पड़वा देते हैं। अब यही चल रहा है, कोई नहीं, जब तक वैसे रैन कोट वगैरह लेकर आया हूँ, और फ़ोन के लिए कोई सेफ्टी नहीं है, और देखते हैं भाई जैसे भी होता है। तो भाई मैं तो आ गया हूँ सीधा अपने घर पर, क्योंकि बारिश हो रही थी, और बारिश के चक्कर में मेरा बैग भीग गया है। देखो भाई ये पूरा बैग भीग गया है मेरा, और हेलमेट देख रहे हो पूरा का पूरा। जो मेरे पास जो ऑर्डर जो आ रहे थे, वो ऑर्डर आ रहे हैं दिल्ली के, म्यू विहार फेस वन का ऑर्डर आ रहा था, और बारिश हो गई तेज, तो मैं यार वो ऑर्डर ना कैंसिल करके सीधा मैं अपने घर पे ही आ गया। क्या बताऊँ मैं आपको, प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, पर बाबा उन चीज़ों को रिपीट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। कल कोशिश करेंगे कि कल मैं अपना टेस्ट कराऊँ अल्ट्रासाउंड, तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, वो कल के अल्ट्रासाउंड में आपको खुद पे खुद दिख जाएगी। तो भाई अब खाते हैं खाना, तो खाना हमारा बन चुका है, तो आज बना है दाल रोटी, तो भाई आप भी खाना खा लीजिए। तो इस ब्लॉग को हम करते हैं पे एंड, और टाइम सबसे पहले हम आपको दिखा देंगे टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं। टाइम हो रहा है 10:25 हो रही है। आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट चैनल ना सब्सक्राइब, जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। भाई देख रहे हो ऋषि को, पूरा अपना स्कूल का बैग लेके गया है कॉपी किताब लेने के लिए, है ना। और इसका बस पूछो मत ना, आज इसकी मैंने स्कूल की पूरी शॉपिंग करा दी।